दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा चेक करते थे बेनिफिशियरी स्टेटस पैसा आया है कि नहीं वो चेंज हो चुका है। अब कैसे चेक करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले हमको तीन ऑप्शन मिलता था चेक करने के लिए कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से, तो अब वो चेंज हो चुका है और क्या बदलाव हुआ है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुँच सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे साइड में आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बेनिफिशियरी स्टेटस का अलग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, पहले यहाँ पे आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता था, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, सिर्फ दो ही ऑप्शन मिल रहा है चेक करने के लिए। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल गए हैं तो यहाँ से नो योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जान सकते हैं। उसके बाद से यदि रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करेंगे तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा। यदि आप मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद से जो कैप्चा शो हो रहा है सेम यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आप ओटीपी प्राप्त करेंगे। उसके बाद से ओटीपी इंटर करेंगे तब जाके किसी भी किसान का जो पीएम किसान से रजिस्टर्ड होगा उसका डिटेल यहाँ पे शो होगा। ये सिक्योरिटी के लिए ये सब बनाया गया है। अब कोई जैसे कोई भी पहले चेक कर सकता था, अब नहीं चेक कर सकता किसी भी किसान का डिटेल जो पीएम किसान में रजिस्टर्ड होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि अब वो जो प्रोसेस था वो चेंज हो चुका है। अब आधार नंबर और बैंक अकाउंट को हटाकर मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ गया है। अब उसी के सहायता से आप ओटीपी जब तक आपके मोबाइल पे आएगा नहीं तब तक आप किसी भी किसान का चेक नहीं कर सकते हैं उसका पीएम किसान सम्मान निधि का खाता। ऐसे पहले क्या होता था कि कोई भी चेक कर सकता था किसी का भी बेनिफिशियरी स्टेटस, लेकिन अब नहीं चेक कर सकता। जब तक वो ओटीपी नहीं प्राप्त कर लेता उसके मोबाइल में जो भेजा गया है उसके द्वारा, या रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी ओटीपी मांगा जाएगा और कैप्चा भी इंटर करना पड़ेगा। बिना कैप्चा और ओटीपी के अब किसी का अकाउंट कोई नहीं चेक कर सकता पीएम किसान सम्मान निधि। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।